हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अब एक फैंटेसी गुरुजी में। दोस्तों अभी मैं बात करने वाला हूँ जूनियर T20 लीग का, जो मॉडर्न वॉरियर्स वर्सेज हैदरा हंटर्स के बीच यानी MNW वर्सेज HBS के बीच मैच खेला जाने वाला है। इस मैच के बारे में बात करेंगे, इस मैच के दोनों टीमों के स्टैट्स के बारे में जानेंगे, ताकि हम सबको टीम बनाने में आसानी हो और आसानी के साथ स्मॉल लीग ग्रैंड लीग विन कर सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा किस खिलाड़ी को हमें स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में ट्राई करना दोस्तों। लेकिन उससे पहले, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो भूलिएगा मत, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये मैच मॉडर्न वॉरियर्स वर्सेस हैदराबाद हंटर्स के बीच खेला जाने वाला मैच नंबर 10। वेन्यू की अगर बात करें, गदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि जूनियर T20 लीग का जो भी मैच है, सारे के सारे गदाफी स्टेडियम लाहौर में ही खेले जाने वाले हैं। यहाँ के पिच की बात करें, बैटिंग फ्रेंडली होती है, थोड़ा बहुत प्रेशर को हेल्प करती है, और ज़्यादा मैच खेले जा चुके होते हैं तो स्पिनर को थोड़ा बहुत हेल्प मिलने लगता है, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में। वहीं अगर एवरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल स्कोर 155 का एवरेज है। वहीं फर्स्ट इनिंग का एवरेज की बात करें तो 157 का दोस्तों, यानी 150 से 170 के बीच रन बनते हुए दिख सकते हैं इस पिच पे दोस्तों। वहीं अगर दोनों टीमों के स्टैट्स की बात करें, इस सीजन में MNW 3 मैचेस खेली है अभी तक, 3 में से 2 मैचेस विन की है, यानी कि बेहतर रिकॉर्ड है अभी तक। वहीं अगर HBS की बात करें, हैदराबाद हंटर्स, तो 3 मैच खेली है, तीनों के तीनों लॉस की, यानी कि तीनों हार कर यहां तक पहुंची है। यानी दोनों टीमों अगर कंपेयर किया जाए तो इस मैच को MNW मैच को विन करने वाली, यानी हैदराबाद का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है अभी तक दोस्तों। वहीं अगर बात करें मॉडर्न वॉरियर्स के खिलाड़ियों के स्टैट्स के बारे में, कि अभी तक 3 मैचेस में क्या किए हैं। जाजिया थॉमस की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मैच में बहुत ही बेहतर तरीके से, यानी 2 मैच में ज़बरदस्त 50 से प्लस रनों की पारी खेली, यानी पहले मैच में 50 और दूसरे मैच में 15 रन ही बना पाए थे, लेकिन तीसरे मैच में फिर से 58 रनों की पारी खेली, यानी कि स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए जाजिया थॉमस है दोस्तों। शहजेब खान की बात करें, 3 मैच में, पहले मैच में 45, दूसरे में 27 और तीसरे मैच में 32 रनों की पारी खेली थी, यानी ये भी स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको 40 से 50 पॉइंट देकर जा ही रहे हैं दोस्तों। अब्बास अली की बात करें, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, 3 मैचेस में कुछ 25 रन ही बना पाए हैं, तो इनको इग्नोर कीजिएगा, एज ए ग्रैंड लीग में या 4 मेंबर की लीग में ही ट्राई कीजिएगा इनको। तो ग्रैंड के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट कोई पिक है कैप्टेंसी के लिए, तो अब्बास अली, इनको ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें ओली कॉस्ट की, 3 मैच में ये भी कुछ खास नहीं कर पाए, इसी पहले मैच में 19 रनों की पारी खेली थी और दूसरे और तीसरे मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे। हसीफ खान 3 मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन लास्ट वाले मैच में इनको पूरे के पूरे 4 ओवर मिला था, यानी कि 4 ओवर में 1 विकेट इनको मिला था, यानी कि ऐसे ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैटिंग से 25 से 30 पॉइंट बना गए और बॉलिंग से 1 से 2 विकेट ले गए तो आपके लिए काम कर जाएंगे। स्मॉल लीग की टीम में मैं इनको प्रेफर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 3 मैच में सिर्फ 4 ओवर इनको बॉलिंग मिला है, यानी कभी कभी इनको बॉलिंग मिल सकता है। दाऊद नज़र की बात करें, यहाँ पे जो विकेट कीपर ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, इनको इग्नोर कीजिएगा, ऐसे ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा दोस्तों। मोहम्मद नाबिल स्मॉल लीग की टीम में सबसे बेस्ट ऑप्शन कैप्टनसी के लिए कोई है तो मोहम्मद नाबिल है दोस्तों। मोहम्मद नाबिल को एज ए स्मॉल लीग में कैप्टनसी के लिए सबसे दावेदार कोई है तो मोहम्मद नाबिल, यानी कि समय के अनुसार बैटिंग करने के लिए आ जाएंगे। तीसरे मैच में दोस्तों बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन दूसरे मैच में वो आई थी तो 19 रनों की पारी खेली थी, और हर मैच में 4 ओवर इनको मिलता ही मिलता है। पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट और तीसरे मैच में 1 विकेट, लेकिन तीनों मैचेज में 4-4 ओवर इनको मिला है, यानी कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कैप्टनसी के लिए मोहम्मद नाबिल, इनको ऐसे कैप्टन ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग की टीम में। अबीदुल्ला, इनको भी 4 ओवर पूरे मिल रहे हैं, पहले मैच में 2 विकेट, 3 मैच में 4 विकेट ले चुके थे, कुछ ख़राब नहीं है, बेहतर है दोस्तों। अजमल खान की बात करें, यहाँ पे वहीं अजमल खान की बात करें, इनको भी पूरे के पूरे 4 ओवर मिलते ही मिलते हैं लगभग, पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे मैच में 1 और तीसरे मैच में 1 भी विकेट इनको नहीं मिला था, यानी बेस्ट बॉलर हैं, स्मॉल लीग की टीम में लेकर जा सकते हैं दोस्तों। आर्ची लेनाम सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस में 4-4 ओवर इनको मिला है, लेकिन तीसरे मैच में इनको खिला ही नहीं गया दोस्तों। सैयद तैयब हुसैन
दो मैचेस खेले हैं, दोनों में इनको बॉलिंग करने के लिए मिला, पहले में 3 और दूसरे में 4 लेकिन विकेट लेस रहे। तीसरा मैच इनको नहीं खेला गया था। अगर खेलते हैं तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग की टीम में नहीं, ग्रैंड लीग में ही आपके लिए पिक बन सकते हैं सैयद तैयब हुसैन। मोहम्मद इरफान को तीसरा मैच खिलाया गया था, पूरे के पूरे 4 ओवर इनको मिला था लेकिन विकेट लेस थे, एक भी विकेट इनको नहीं मिला था। तो खेलते हैं तो ऐसे ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा दोस्तों। वहीं अगर हैदराबाद हंटर्स यानी SBS की प्लेइंग 11 और इस सीज़न में स्टैट्स की बात करें तो आप देख लेते हैं। 7 बैग सबसे बेहतर खिलाड़ी इस टीम के, तीसरे मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे लेकिन उससे पहले 2 मैच में 1 में 34 1 में 64 आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से पारी खेली थी, यानी इनको इस मॉल लेके टीम में लेकर चलना है दोस्तों। अरबाज खान दोस्तों बेस्ट बैट्समैन है, कभी कभी आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी दे देंगे, तो इनको भी इस मॉल लेके टीम में लेकर चलना है क्योंकि 1 ओवर में 1 विकेट लास्ट वाले मैच में 1 ओवर में 2 विकेट लेकर चले गए थे, तो ऐसा भी हो सकता है। और ओपन करने के लिए आते हैं तो 4 मेंबर की लीग में ऐसे कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। मोइज़ राणा इनको भी कभी कभी 1 ओवर मिल जाता लेकिन इनको मैं ट्राई करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि उतना बेस्ट बैट्समैन नहीं है, ग्रैंड लीग में ऐसे कैप्टन ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। आफाक खान कुछ खास नहीं कर पाया अभी तक लेकिन बॉलिंग इनको मिलता है हर मैच में, इनको अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा क्योंकि 4 से 5 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएंगे और 2 से 3 ओवर इनको बॉलिंग भी मिलने वाला है। पहले मैच में 3 ओवर में 3 विकेट लेकर गए थे, दूसरे मैच में 2 ओवर भी किए थे दोस्तों। हसन इकबाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बैटिंग से कुछ कर नहीं पा रहा लेकिन यह है कि इनको बॉलिंग दिया जा रहा है दोस्तों, यानी कि 3 मैच में 2 बार इनको बॉलिंग दिया गया है और पूरे के पूरे 4 ओवर दिया गया है, यानी कि 4 ओवर में 1 विकेट और 8 ओवर डालने को मिला 3 मैचेज में और 3 विकेट लेने में सफल हासिल हुआ, यानी कि इनको भी ऐसे स्मॉल लीग की टीम में लेकर जा सकते हैं दोस्तों। मुनीब आसिफ मैंने कैप्टेंसी के लिए बता दिया था ऑप्शन, इस टीम की तरफ से कैप्टेंसी वाइस कैप्टन के सबसे बेस्ट ऑप्शन को यह तो मुनीब वासीम, इनका 6 नंबर पे मैंने लिखा है लेकिन यह कि कभी 6 नंबर पे कभी इनको प्रमोट भी कर दिया जाता है, यानी 3 नंबर पे भी कभी भी इनको भेज देता है बल्लेबाजी करने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। 2 से 3 ओवर तो बॉलिंग करने वाले हैं लेकिन यह कि 3 से 4 नंबर पर इनको प्रमोट कर दिया जा सकता है बैटिंग के लिए, तो ऐसे वाइस कैप्टन या कैप्टन को ट्राई कर सकते हैं इस मॉल की टीम में दोस्तों। आफ्ताब इब्राहिम सिर्फ 1 मैच मिला था इनको खेलने के लिए, उसके बाद इनको खिलाया ही नहीं गया दोस्तों। वहीं अगर मोहम्मद जुबैर जूनियर की बात करें तो इनको आप ट्राई कीजिएगा स्मॉल लेग की टीम में लेकर जा सकते हैं मोहम्मद जुबैर जूनियर, लेकिन यह है कि इनको 2 ओवर ही दिया जा रहा है, यानी कि 2 ओवर में 1 विकेट 2 ओवर में 2 विकेट और लास्ट वाले मैच में 0 विकेट, यानी 2 ओवर में विकेट लेकर चले गए तो ठीक है वरना फिर काम किया, यानी कि पूरे के पूरे 4 ओवर नहीं डालने वाले दोस्तों, तो इनको इग्नोर कर सकते हैं स्मॉल लीग की टीम में, ग्रैंड लीग में प्रेफर कर सकते हैं इनको। हसीबुर रहमान इनको भी वही हाल है, लास्ट वाले मैच में 4 ओवर दिया गया था लेकिन 1 भी विकेट नहीं मिला था, उससे पहले सिर्फ 2 ओवर दिया गया था दोस्तों। ईसाई थॉर्ने की बात करें सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेज में विकेट लेस थे यानी विकेट इनको नहीं मिला था, लास्ट वाला मैच इनको नहीं खेला गया। इब्राहिम मसूद की बात सिर्फ 1 मैच इनको खिलाया गया था, अगर खेलते हैं तो बॉलिंग नहीं करेंगे, 1 ओवर इनको मिल सकता है। अली नासिर लास्ट के 2 मैचेस खिलाया गया था जिसमें से दोनों मैच मिलाकर के सिर्फ 1 विकेट लेने में सफल हुए हैं, इनको ऐसे ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिए अगर खेलते हैं तो, स्मॉल लीग की टीम प्रेफर नहीं करूँगा। जेम्स वुड लास्ट के 2 मैच इनको भी खिलाया गया था लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 1 विकेट लेने में सफल हुए हैं, लास्ट वाले मैच में सिर्फ 2 ओवर ही करने को मिला था दोस्तों। तो ऐसे ग्रैंड लीग में यानी कि अली नासिर और जेम्स वुड को ऐसे ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग की टीम के लिए प्रेफर नहीं करूँगा दोस्तों। चलिए मैं आपको ड्रीम 11 टीम दिखा देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने किस हिसाब से टीम बनाया है, आप 7-4 का मैंने कम्बिनेशन बनाया दोस्तों। मैंने कैप्टन बनाया मोहम्मद आसिफ को जो आपको बैटिंग ऑर्डर से पॉइंट देंगे, पूरे के पूरे 3 से 4 ओवर डालने वाले भी हैं, और मोहम्मद नाबिल को मैंने एज ए वाइस कैप्टन बनाया दोस्तों। मैं आगे चल के मैं चेंज कर सकता हूँ, टॉस के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर मोहम्मद आसिफ पहले बॉलिंग करते हैं तो फिर जैसे 1 से 2 बॉलर मुझे बनाना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आप भी टीम बना सकते हैं दोस्तों टॉस के ऊपर। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।